शुभ दोपहर बच्चों। आज रिवीजन में हम लोग लेसन नंबर टू पार्ट दो, जिसका नाम है अद्भुत फिगर, उसके बारे में पढ़ेंगे। अद्भुत यानी विचित्र, जो सबसे अलग होता है, तो उसी हिरण के बारे में दूसरा पार्ट हम देखेंगे, एक और बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, जस्ट मैं रीड करती जाऊंगी, अगर कोई डाउट है तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते जाऊंगी। ठीक है, तो बहुत समय पहले गंगा की तराई में, तराई का अर्थ है पहाड़ की साइड में जहाँ घास वगैरह रहती है, जहाँ जगह रहती है, उसको कहते हैं तराई। पहाड़ के जगह रहती है, घास पेड़ पौधे रहते हैं, उसको कहते हैं तराई। तो उस तराई में एक घना जंगल था पहाड़ के आजू बाजू में। जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी, इसी के बीचों बीच एक नदी बहती थी। जंगल में हिरणों की संख्या बहुत अधिक थी, उन्हीं जंगलों में जो हिरणों की संख्या थी, जो नंबर्स थे, वो बहुत ही अधिक थी। हिरणों के साथ साथ कई हिंसक जानवर भी वहां रहते थे। हिंसक यानी जो शिकार करते हैं, दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। हिरण शिकार करते हैं दूसरों का, वही खूंखार जो डेंजर होते हैं वो, तो ऐसे हिंसक पशु भी उस जंगल में बहुत सारे रहते थे। वे हिरणों के लिए खतरा थे, हिरण बहुत डरे डरे रहते हैं, अन्य जानवरों से वो लोग डरते हैं, हिंसक जानवरों से। तो उन जानवरों को, हिरणों को उन हिंसक जानवरों से बहुत ज्यादा खतरा था। दोपहर में जब सभी हिंसक जानवर आराम कर रहे होते, तब हिरणों का झुंड, अब बता सकते हो झुंड का एक और पर्यायवाची क्या है? झुंड को हम क्या कहते हैं? समूह और दल, समूह और दल कहते हैं। ठीक है, इसका पर्यायवाची चाहे तो आप लिख भी सकते हो। तो दोपहर के समय जब ये जानवर, हिंसक जो जानवर जब सोते थे, आराम करते थे, तब हिरणों की जो संख्या थी, जो दल था, वे लोग नदी में पानी पीने के लिए वहां पे जाते थे। कौन जाता था पानी पीने के लिए? हिरणों का झुंड जाता था। क्योंकि यह सबसे सुरक्षित समय था, क्योंकि उस दोपहर के वक्त सभी जानवर आराम कर रहे होते हैं, इसीलिए हिरणों का झुंड नदी के किनारे पानी पीने के लिए जाता था। वैसे तो इन जंगलों में हिरणों के कई झुंड थे, परंतु एक झुंड ऐसा था जिसका सरदार काला हिरण था। यानी हिरणों के बहुत सारे ग्रुप्स थे, बहुत सारे समूह थे, लेकिन उसी समूह में एक ऐसा ग्रुप था, एक ऐसा झुंड था जिसका सरदार, सरदार का अर्थ है लीडर, जो लीड करता है अपने ग्रुप को, पूरे हिरणों को। तो उनका सरदार कौन था? काला हिरण था। यस, काला हिरण उनका सरदार था। काला हिरण दूसरे हिरणों से ज्यादा तेज दौड़ सकता था। आप देख सकते हो अपने बुक में भी काला हिरण दिख रहा है और बाकी अन्य हिरण, तो वह काफी तेज दौड़ता था। यस, झुंड को अपने सरदार पर पूरा विश्वास था, तो हिरणों की जो झुंड थी, जो संख्या थी, उनको अपने लीडर पर, अपने सरदार पर पूरा यकीन था कि वो बहुत बहादुर था, होशियार था, बहुत तेज दौड़ता था। तो सरदार कैसा होना चाहिए, लीडर कैसा होना चाहिए? बहुत ही तेज, चालाक होना चाहिए, तभी वो अपने पूरे ग्रुप को फॉलो कर सकता है, आगे ले जा सकता है। वो जितना बुद्धिमान था उतना ही सीधा और सरल था। तो यहाँ पे अंडरलाइन करो पूरे सेंटेंस को, पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन करो। जितना बुद्धिमान था उतना ही सीधा और सरल था, यानी यहाँ पर उसके स्वभाव के बारे में बताया गया है कि वह कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था, कि वो बुद्धिमान था, बहुत ही सरल था, बुद्धिमान था, चालाक था, लेकिन स्वभाव से बहुत ही सरल था, सीधा साधा था। वह अपने कर्तव्य का पालन जी जान से करता था, यानी सरदार होने के नाते उसके कई कर्तव्य थे, तो उस कर्तव्य को वह बहुत ही बखूबी से निभाता था, अपनी पूरी जी जान वहां लगाता था। अंडरस्टैंड दिस मच?
स्टार्टिंग में। अद्भुत का अर्थ है सबसे अलग दिखने वाला। उसकी चमकीली लाल लाल आंखों को देखकर बहुत से जानवर डर जाते थे, यानी उसकी स्वभाव और उसके उसका जो आकार है, उसका जो रंग रूप है, उसके बारे में इस लाइन में बताया गया है कि उसकी आंखें कैसी थी, लाल लाल थी। यस, लाल लाल होने के वजह से, यस लाल लाल होने के वजह से बहुत सारे जो जानवर थे, अन्य जानवर, वे डर जाते थे। नेक्स्ट पेज पे आइए। एक दिन की बात है, जंगल में शिकारियों का एक दल शिकार खेलने आया। यस, अभी उसी जंगल में शिकार करने के लिए शिकारी आए हैं। काफी खोजने के बाद भी उसके हाथ कोई शिकार नहीं लगा, एक भी शिकार उनको नहीं मिला। दोपहर का समय था, सूरज तप रहा था, यानी गर्मी का मौसम था, तप रहा था। प्यास के मारे सभी का बुरा हाल था, गर्मी में तो बहुत प्यास लगती है, उन शिकारियों को भी बहुत प्यास लगी थी, शिकार की खोज करके उनको बहुत ज्यादा प्यास लग गई थी। शिकारी पानी की खोज में इधर उधर भटकने लगा, तभी उन्हें नदी दिखाई पड़ी। शिकारियों ने जी भर के पानी पिया और वही पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। विश्राम का दूसरा अर्थ, उन्होंने जी भर के पानी पिया और उसी नदी के यहाँ पे वह पानी पीकर आराम करने लगे। श्लोक। नेक्स्ट पैराग्राफ। अभी उन लोगों की ठीक से आंख भी नहीं लगी थी कि कुछ आवाजें आई। आवाजें सुनकर सभी चौकन्ने हो गए। चौकन्ना होना यानी सतर्क होना, अलर्ट होना, तुरंत अलर्ट हो गए। ये आवाजें हिरणों के झुंड की थी जो पानी पीने आया था। यस, दोपहर को हिरणों का झुंड पानी पीने आता था, क्योंकि वह वक्त पानी पीने का बिल्कुल सुरक्षित था। तो शिकारियों को भी आवाज आ रही है हिरणों की। इस समय भी काला हिरण सभी हिरणों का नेतृत्व कर रहा था, यानी वो सबसे आगे था और उसी के पीछे सारे हिरण थे। हिरणों ने शिकारियों को देख लिया था, इसलिए शिकारियों के बंदूकों की ओर हाल बढ़ाने से पहले ही हिरणों का झुंड बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे ओझल हो गया। वैसे शिकारियों ने बंदूकें अपने हाथों में ले ली, वो तैयारी में थे शिकार करने के लिए। इतने में सारे हिरण जो है वह झाड़ियों के पीछे छिप गए, ओझल हो गए। ओझल होना यानी गायब होना, तुरंत भागे हुए, सतर्क हो गए। ठीक है, यस, कहानी के जैसे सुनते जाओ इसको। आगे शिकारियों ने हिरणों का पीछा किया, पर सभी हिरण छिपे हुए थे और शिकारियों ने समझा कि वे भाग गए। हिरण वहीं पे थे झाड़ियों के पीछे, कहीं गए नहीं थे। अगर भागते उनके आंखों के सामने तो वे मर जाते, तो वह जो हिरण है वह झाड़ियों के पीछे छिप गए थे। लेकिन शिकारियों को क्या लगा कि वो वहां से भाग गए। शिकारी दूसरी तरफ चले गए। हिरणों ने समझा कि उन पर आई विपत्ति टल गई। विपत्ति यानी मुसीबत। विपत्ति का अर्थ है मुसीबत। मुसीबत जो आई वह जो है वह टल गई, यानी भाग गई मुसीबत। परंतु शिकारियों ने हिरणों के सरदार काले हिरण को देख लिया। शिकारियों ने किसको देख लिया? काले हिरण को। शिकारियों में उस देश का राजकुमार, शिकारियों में उस देश का राजकुमार भी था जो शिकार करने आया था, उस देश का राजकुमार था। वो काले हिरण को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्यचकित होना यानी हैरान होना। कौन हैरान हो गया? राजकुमार हैरान हो गया। किसको देखकर हैरान हो गया? तो काले हिरण को देखकर हैरान हो गया।
यस यस, वह हिरन को जिंदा पकड़ना चाहता था, क्योंकि जब शिकार करते हैं तो गोली मार के वो शिकार मर जाता है, लेकिन राजकुमार को जीता जागता वह काला हिरन चाहिए था, उसे वो मारना नहीं चाहता था। उसने दूसरे दिन कुछ चतुर शिकारियों को बुलवाया, चतुर यानी चालाक शिकारी जो होते हैं, उसको राजकुमार ने दूसरे दिन उसी जंगल में बुलाया। शिकारियों ने हिरन को पकड़ने के लिए जाल को नदी के किनारे बिछा दिया। तो शिकारियों का प्लान देख लो, यहाँ पे क्या किया उन्होंने, पूरी नदी के यहाँ पे जाल बिछा दिया, नेट बिछा दिया। उन्हें विश्वास था कि हिरणों का झुंड नदी पर पानी पीने अवश्य आएगा। उनको विश्वास का दूसरा अर्थ है यकीन, उनका पूरा यकीन था कि हिरणों की जो झुंड है वो पानी पीने के लिए अवश्य उस नदी में आएंगे। इतना तक समझ में आया? वेरी गुड, स्टोरी के जैसे लर्न करते जाओ, दिमाग में रखते जाओ। आगे शिकारी बड़े बड़े बेचैनी से हिरणों की प्रतीक्षा कर रहे थे। बेचैनी से यानी उनको चैन नहीं हो रहा था, चैन नहीं पड़ रहा था, और प्रतीक्षा करना यानी बहुत समय से वहां देख रहे थे, उनका वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें हिरण आते हुए दिखाई दिए। शिकारी झाड़ियों के पीछे छिप गए। पहले कौन छिप गया था झाड़ियों के पीछे? हिरण छिप गए थे, और अब कौन छिप गया है? शिकारी छिप गए, और अब शिकारी छिप गए। हिरणों का झुंड नदी की ओर बढ़ रहा है, हिरणों का झुंड पानी पीने के लिए। काला हिरण झुंड के आगे आगे चल रहा था, क्योंकि वह सरदार। शिकारी हिरणों को घेरना चाहते थे, यानी उनको पूरी तरह से कवर करना चाहते थे, पकड़ना चाहते थे। एक शिकारी झाड़ियों के पीछे छिपते छिपते हिरणों के पीछे पहुंच गया और हवा में फायर कर दिया, यानी गोली चलाना उसने शुरू कर दिया शिकारी ने। फायर की आवाज सुनते ही हिरण इधर उधर भागने लगे। भाई जो आप फायर करोगे तो जानवर जो है वो डरेंगे ही ना, तो इधर उधर सारे हिरण भागने लगे। इसी भागा दौड़ी में काला हिरण जाल में फंस गया। अन्य हिरण तो भाग गए, लेकिन फंस गया बेचारा कौन? काला हिरण, उनका सरदार फंस गया। राजकुमार ने अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया। जो उनके साथी थे, अन्य जो शिकारी थे, उसको राजकुमार ने क्या कहा कि आप पीछे हट जाओ, अपने कदम पीछे ले लो। राजकुमार बाकी हिरणों को भगा देना चाहता था, यानी राजकुमार को सिर्फ काला हिरण चाहिए था, अन्य हिरण उसे नहीं चाहिए था, इसलिए बाकी हिरणों को उसने भगा दिया और केवल काले हिरण ही उसने फंसा दिया, जाल में फंसा दिया। मगर यह क्या, काले हिरण को जाल में फंसा हुआ देखकर सभी हिरण भागते भागते रुक गए। देखो, क्योंकि उनके सरदार फंसे हुए जाल में, तो अन्य हिरणों को बहुत बुरा लग रहा था कि हमारा सरदार जो है वो फंस गया है, तो सभी हिरण भागने के बजाय वहीं पे रुक गए और एक गोला बनाकर काले हिरण के चारों तरफ खड़े हो गए। ये काला हिरण है और उसके चारों ओर ये हिरण घेरा बना लिया। काला हिरण बिल्कुल बीचों बीच है। राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया। तो ये सारा दृश्य राजकुमार देख रहा है और वह हैरान हो गया कि भाई ये सारे हिरण अपने सरदार की रक्षा किस तरह कर रहे हैं। वह हैरान हो गया राजकुमार। वह एकता का दृश्य उपस्थित हो गया। एकता यानी एकजुट हो गए, सभी ने मिलकर काले हिरण को छुड़वाने की कोशिश के लिए सभी वहां पे घेरा बना लिया सभी ने। तो ये सारा दृश्य अलग था, अजीब था, हैरानी हो रही थी उस राजकुमार को, क्योंकि सब एकजुट हो गए थे हिरण। अगर सारे हिरण भाग जाते तो क्या होता? कभी आपने सोचा है अगर ये सारे हिरण भाग जाते तो क्या होता काले हिरण का? क्या होता काले हिरण? आंसर, अगर ये हिरण भाग जाते अपने सरदार के लिए नहीं रुकते तो काला हिरण को क्या क्या होता उसके साथ? मौत की चपेट
अपनी गति उसको राजकुमार अपने साथ लेकर जाता, लेकिन क्योंकि बाकी हिरणों ने इसलिए रुक गया क्योंकि उनके सरदार को जाल में फंसा दिया गया है, क्योंकि उनका सरदार है, उनके ग्रुप को चलाने वाला सरदार को ही फंसा दिया गया है, वहां पे पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया है, तो बाकी हिरण चुप कैसे बैठ सकते थे। तो उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए सारे हिरण ने घेरा बनाकर वे लोग खड़े हो गए। ऐसा लगता था, टर्न द पेज, ऐसा लगता था मानो सारे हिरण अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार थे, यानी सरेंडर हो जाना, अपने को समर्पित कर देना शिकारियों के लिए। ऐसा लग रहा था कि हिरण, बाकी जो हिरण है उन्होंने शिकारियों के लिए अपना आत्मसमर्पण कर दिया, अपनी जान उन्होंने दे दी। तभी हिरणी घेरे से बाहर निकली। काला हिरण कातर दृष्टि से अपने साथियों की ओर देख रहा था, एक दृष्टि से उनकी ओर देख रहा था। कातर यानी यहाँ पे दिया है, यानी एक नजर से, मतलब वो कुछ नहीं कर पा रहा था काला हिरण, और एक दृष्टि से पूरे हिरणों की तरफ देख रहा था। हिरणी की आंखें आंसुओं से भीगी थी क्योंकि उसको दर्द हो रहा है, क्योंकि उसका सरदार जो है वो फंसा हुआ है। वो धीरे धीरे हिरण के पास गई, जो एक उसमें से हिरणी थी वह काले हिरण के पास गई और अपने सींगों से उसे सहलाने लगी, प्यार से उसकी ओर सहलाने लगी। राजकुमार थोड़ा आगे बढ़ा, अब यहाँ जो राजकुमार था वह थोड़ा आगे गया। उसे विश्वास था कि उसके आगे जाने पर हिरणी भाग खड़ी होगी। जब हम जानवरों के पास जाते तो डर जाते हैं, तो वहां से तुरंत भाग निकलते हैं ना। तो राजकुमार को लगा कि जैसे मैं थोड़ा पास जाऊंगा हिरणों के पास, सारे हिरण भाग जाएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वह उसी तरह काले हिरण को सहलाती रही। हिरणी काले हिरण को प्यार से, राजकुमार चाहता तो आसानी से हिरणी को पकड़ सकता था, किंतु वह इस समय सब कुछ भूल चुका था। उसे सामने का दृश्य सपने जैसा लग रहा था। राजकुमार को लग रहा था कि जैसे कि वह सपना ही देख रहा है, भले क्योंकि उसने ऐसा दृश्य, ऐसा सीन कभी नहीं देखा कि इतना प्रेम कैसा कोई कर सकता है एक दूसरे से, इतनी एकता कैसे हो सकती है इन सब जानवरों में, हिरणों के साथ। तो ये सारा दृश्य उसे एक सपना ही जैसे लग रहा था। ओके, यस, आगे देखिए। छोड़ दो इसे, एकाएक राजकुमार ने आदेश दिया। आदेश देना यानी हुकुम देना, आज्ञा देना। हिरणी की करुणा भरी मुखवाणी ने राजकुमार का हृदय पिघला दिया। तो क्या उसने कहा राजकुमार ने कि इस हिरण को छोड़ दो, इस काले हिरण को छोड़ दो। हिरणी की करुणा भरी, जो हिरणी थी उसकी करुणा भरी है कि उसकी आंखों से आंसू आए जा रहे थे। तो उसकी जो मुखवाणी है, क्योंकि मुखवाणी यानी जो बोल नहीं पाता, जानवर बोल पाते हैं नहीं, केवल अपनी आवाजों के द्वारा ही वह एक दूसरे से कन्वर्स कर पाते हैं। तो उसकी वाणी, मुखवाणी देखकर ही उसको दया आ गई राजकुमार को, इसीलिए उसने छोड़ने का आदेश दे दिया हिरण को। काले हिरण को छोड़ दिया गया। थोड़ी ही देर में हिरणों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। ओझल हो जाना यानी गायब हो जाना। सारे हिरण वहां से भाग गए। राजकुमार और सभी शिकारी वापस लौट आए, यानी वो जंगल से वापस आ गए। रात को राजकुमार ने एक सपना देखा। सपने में वही काला हिरण उसके बाग में चरने आया था, घास खाने के लिए आया था। अब देख रहे हो, सपना ही है, राजकुमार है और वहां पे हिरण दिख रहा है। एक्चुअली वह सपना देख रहा था कि वही काला हिरण उसके बगीचे में आया है घास चरने के लिए। राजकुमार की आंखें खुल गई। एक दिन निकलने ही वाला था, राजकुमार ने खिड़की खोलकर बगीचे की ओर देखा। सचमुच काला हिरण अपनी हिरणी के साथ खड़ा था। तो ये कोई सपना नहीं था, बल्कि सच में हिरण, काला हिरण और उसके साथ वह हिरणी वहां पे
बगीचे में थे। राजकुमार तुरंत बगीचे में आया, हिरन हिरनी को प्यार से पुचकारा, यानी उसको सहलाने लगा प्यार से। थोड़ी देर उसके साथ खेलता रहा, फिर दोनों छलांग लगाकर जंगल की ओर चले गए। अब प्रतिदिन ये दोनों राजकुमार से मिलने उसके बगीचे में आने लगे। जब यह राजकुमार राजा बना तो इसने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। जब ये सारी घटना इस राजकुमार के साथ हुई तो उसने ठान लिया कि जंगल, उसने क्या किया, जंगल में शिकार करने से रोक लगा दी गई। अगर कोई शिकार करता है तो उसको दंडित किया जाता है, जंगलों को अगर काटा जाता है तो उसको भी दंड दिया जाता है। तो जब वह राजकुमार राजा बना तो उसने शिकार पर रोक लगा दी गई, जो शिकार करता था उसको दंडित किया जाता था। तो यह उसका सपना नहीं था, बल्कि रोज वहां पे काला हिरन उसके बगीचे में आता था, वहां पे वह घास चरते थे और वहां से वह चला जाता था। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें पशुओं के प्रति प्रेम होना चाहिए, संवेदना होना चाहिए उनके लिए, उनकी सुरक्षा हमें करनी चाहिए। जब हम मनुष्य इनका शिकार करेंगे तो क्या पशु पक्षी प्रकृति में बचेंगे, नेचर में बचेंगे? क्या प्रकृति बैलेंस हो पाएगी, संतुलित हो पाएगी? नहीं। तो जैसे इस प्रकृति के लिए हम हैं इस प्रकृति में, वैसे ही पशु पक्षी भी है, उनको भी अपना जीवन है। तो प्रकृति में ये जो पहाड़ है, नदियां है, हम जो मनुष्य है, जीव जंतु है, जो पक्षी है, जानवर है, ये सारी प्रकृति के अंदर ही आते हैं। अगर ये हम इनको नुकसान पहुंचाते हैं तो ये भी हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें इनका नुकसान नहीं बल्कि इनकी रक्षा करनी चाहिए, इनकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए। Did you understand this lesson? और साथ ही साथ आपने देखा कि ये जो राजकुमार था इसने दया की भावना दिखाई। अगर ये दया नहीं करता तो शिकार हो जाता, काले हिरण को मार डालता, लेकिन राजकुमार के मन में दया की भावना थी, परोपकार था उसके मन में, जो कि उसने काले हिरण को छोड़ दिया। तो ऐसी दया की भावना हमें होनी चाहिए पशुओं के प्रति, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए उन्हें। Yes? Okay. क्या हुआ? सार्थक। ओके, यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह तो दोबारा आपको क्या करना है, दोबारा से ये पाठ पढ़ना है पूरा। आप ये मत सोचो कि पूरा सभी कुछ इस बुक में से ही आएगा, बीच में से भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको आंसर्स खुद तैयार करना है। कोई भी क्वेश्चन आए झट से उसका आंसर लिखने के लिए आना चाहिए, ठीक? एक आधा क्वेश्चन मैं पूछती हूँ बीच से तो आप उत्तर दीजिए। ओके, गौरव, गौरव, राजकुमार ने किसको सहलाया, राजकुमार ने किसको सहलाया प्यार से? काले हिरण को सहलाया, बिल्कुल। ओके, हिरणी को सहलाया। देन यहाँ पे कौन यहाँ पे आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गए, कौन आत्मसमर्पण कर रहा था? नहीं, हिरणों का जो झुंड था, हिरणों का जो झुंड था वो अपने आप को आत्मसमर्पण कर रहा था। ओके, राजकुमार के बगीचे में कौन आया था सुनने के लिए बाद में? हिरण और हिरणी, ये दोनों भी आए, हिरण और हिरणी आए। ओके, ओके, हिरण कब आते थे पानी पीने के लिए, मतलब कब जाते थे, किस समय जाते थे? रात को, दोपहर को,
जब सभी जानवर हिंसक जानवर विश्राम करते थे दोपहर के वक्त, तो वो उस वक्त सभी हिरण जो है वो पानी पीने के लिए नदी किनारे जाते थे। ओके, विपत्ति का अर्थ क्या है? विपत्ति का अर्थ क्या है? मुसीबत। मुसीबत, बिल्कुल। यस, चौकन्ना होना, चौकन्ना होना। तेजल, सतर्क होना। यस, सतर्क होना। यस यस, सतर्क होना। नेक्स्ट, यहाँ पे मालिक, मालिक का लिंग कैसे बदलोगे? स्त्रीलिंग रूप क्या होगा मालिक का? मालकिन। नौकरानी, नौकरानी, नौकर। यस यस, सेवक, सेवक, सेवक। सेवक का होगा सेविका, सेविका। यस, सिंह, सिंह, सिंहनी। हाथी, हाथी, हथिनी। हाथी, हथिनी, हाथी, हथिनी। हा नहीं जोड़ना, ओनली हा जोड़ना। हथिनी बोलना है। ऊंट, ऊंटनी। चूहा, चूहिया। ओके,